पीएसआई जो है वो यहाँ पर पहुंचे, यानी अधिकारी लेवल जो के जो पुलिस कर्मी है वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। और कैमरा बाहर चलो आप, ये पब्लिक। एक दर्जन पुलिसकर्मी आए थे वो भी अंदर चले गए हैं। तो रिया चक्रवर्ती का जो घर है उसके अंदर पुलिस अधिकारी, मुंबई पुलिस के अधिकारी और कांस्टेबल रिया के फ्लैट पर जा रहे हैं। रिया से उनकी बातचीत होगी और उसके बाद जो मुंबई पुलिस के जवान हैं उनकी सुरक्षा में, उनके काफिले में रिया चक्रवर्ती सीबीआई जहां पर थे जहाँ पूछताछ कर रही है। बाहर दो पुलिसकर्मी बाहर आ रहे हैं, दो पुलिस पुलिसकर्मी हैं और जो दो पुलिसकर्मी हैं वो आगे हैं और महिला पुलिसकर्मी पीछे। अभी थोड़ी देर में डिटेल कल वो पूछताछ के लिए गई थी, संभवतः यही गाड़ी है जिसमें वो गई थी और पिछले गेट की तरफ एक गाड़ी जा रही है। सवाल ये है कि क्या रिया चक्रवर्ती जो पिछले गेट से कल गई थी सीबीआई के साथ पूछताछ के लिए वहीं पर जा रही है। मुझे जो हलचल दिखाई दे रही है जयपाल और हलचल दिखाई है, जो गाड़ी है इसमें रिया चक्रवर्ती हैं और उसके साथ जो महिला पुलिसकर्मी हैं वो भी इस गाड़ी में मौजूद हैं। गाड़ी को पर्दों से ढक दिया गया है और जो मुंबई पुलिस के जवान हैं वो इस गाड़ी को लेकर के सीबीआई जहां पर ठहरी हुई है वो जाएंगे। देखिए यहां मुंबई पुलिस के जवान हैं वो ज़रूरी दिशा निर्देश दे रहे हैं और कहा जा रहा है इस गाड़ी में रिया चक्रवर्ती हैं। इसी गाड़ी को कल बुलाया गया था जब रिया चक्रवर्ती सीबीआई के अस्थायी दफ्तर डीआरडीओ के साथ गई थी और ये जो गाड़ी है इसमें ही रिया चक्रवर्ती आ जाएंगे। और देखिए दूसरी तरफ गेट पर पायलट गाड़ी जो जीप है मुंबई पुलिस की वो लगा दी गई, यानी आगे आगे वो गाड़ी चलेगी, पीछे पीछे रिया चक्रवर्ती जा रही है। और ये देखिए तस्वीरें जो मीडिया पर है आपको हमें एक ऊंचाई से दिखा रहा हूँ, इसी गाड़ी में रिया चक्रवर्ती है। सीबीआई से पूछताछ के लिए रिया चक्रवर्ती दूसरे दिन जा रही है सबसे आगे पायलट गाड़ी है, पीछे रिया चक्रवर्ती की इनोवा है उसके।